तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। काफी सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है, ठीक है। ज्यादा बारी वैसे आया नहीं है ये, और इसके चांसेस वैसे कम ही बने रहते हैं, मगर फिर भी एक इम्पोर्टेंस अपनी ये खुद में रखता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं कई सारे क्वेश्चंस को अपलोड कर चुका हूँ हमारे चैनल के ऊपर, तो उस क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिए ताकि आपको काफी बेनिफिट मिल सके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है ट्रू प्रूफ करना है, ट्रू प्रूफ करना है, ये जो है वो इसके बराबर होगा आपका। तो ये कैसे मैं इसको इतना कैसे रिड्यूस कर दूं कि एक ही टर्म बच जाए, वो भी 10A वाली। तो ये आसानी से होगा, बिल्कुल ही आसानी से होगा। बस आपको करना है बस इसको सॉल्व, बस आप ये सोच के चलिए कि मैं इसको सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ये साइन ए है, इधर भी साइन ए है, दो माइनस में लिखे हैं, इधर लिखा है कॉस है और इधर भी कॉस है, इधर पावर ज्यादा इधर पावर सिंगल है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकता? सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आ जाए, तो कॉमन आने से हमारा बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रूफ करने से पहले वही लेते हैं LHS और क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। ऑब्वियसली साइन ए माइनस टू कॉस सॉरी साइन क्यूब ए अपॉन में टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब क्या करना है, साइन ए पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें से, साइन ए कॉमन निकाल लूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बच जाता है, अपॉन में नीचे से कॉस निकाल लूं तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बच जाता है, ठीक। तो अब आपको देखना है कि साइन ए बाई कॉस ए, अब अगर आपने सही से करी होगी ट्रिग्नोमेट्री तो क्या पता होगा आपको, ये पूरी टर्म अभी के अभी मैं 10A लिख दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेस पे ही चलती है, फ्रैक्शन के बेस पे चलती है। साइन ए अपॉन में कॉस ए जो होता है वो 10A होता है, या टीटा होगा तो साइन टीटा अपॉन में कॉस टीटा इक्वल टू 10 टीटा के बराबर होता है। तो ये तो बन गया 10A, मगर ये इसको खत्म करना है बस किसी तरह से। तो इसको कैसे खत्म करेंगे अभी देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से ये खत्म हो जाएगा। पेपर में आप लोग मत कर देना ऐसा गोला, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इधर कॉस स्क्वायर है, ठीक। अगर ये दोनों दोनों सेम हो जाए किसी तरह से, क्योंकि 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, मगर यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, मगर ये साइन है ये कॉस है। अब हमें पता है जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक। अगर मैं सिर्फ साइन साइन की वैल्यू डालना चाहूं, अगर यहाँ पे 2 ना होता 1 होता, यानी कुछ नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए हो जाता, जो कि वो ऐसा है नहीं। अब कुछ बच्चों का ज्यादा दिमाग चलेगा, वो कहेंगे कि सर ये 2 साइन स्क्वायर ए ले, तो ऐसा कर लो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कर लो, दो दो बारी हो जाएगा, एक के साथ हम सॉल्व कर लेंगे, तो उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फर्दर पता नहीं क्या निकलेगा, वो तो पॉसिबली जो भी आउटकम बनेंगे निकालने के बाद वो भी पता चलेंगे, मगर इस पर सिंपली आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू डालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर भगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हम साइड में लिखते रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। इसकी जगह मैं डाल देता हूँ, ये सेम सेम लिखता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस डालने से क्या है, नीचे भी कॉस ऊपर भी कॉस, हो सकता है कुछ हो जाए इसमें सॉल्व। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ब्रैकेट को, साइन 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस टू मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ और माइनस टू मल्टीप्लाई करेगा प्लस के और माइनस के कॉस स्क्वायर ए के साथ, ठीक। कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस का और 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए सेम सेम आ जाएगा, ये कट गया, साइन ए बाई कॉस ए रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10A। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों।